हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सो दिस इज सागर बंसल, वेलकम टू जिज्ञासा क्लासेस। अभी कुछ बच्चों से बात हो रही थी तो उनसे पता लगा कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर उन्हें हार्ड लग रहा है। क्या ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर वाकई हार्ड है? क्या आप लोगों को भी सबको ऐसा लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हार्ड है? अगर हाँ तो ये चैप्टर आज के बाद आपको हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको ऑनलाइन जिज्ञासा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपको ये चैप्टर बिल्कुल बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाला हूँ। सो जुड़ जाइए मेरे साथ और सीखिए ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथ्स के बच्चे। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तीनों का मतलब है आपका ट्राई, ट्राई मतलब तीन, गोना मतलब एंगल्स, मैक्रोन मतलब मेजरमेंट, ट्राई मतलब थ्री, गोना मतलब एंगल्स और मैक्री मतलब मेजरमेंट। ये एक ऐसी ब्रांच है मैथ्स की जिससे आप ट्राइंगल के तीनों एंगल्स और तीनों साइड को मेजर कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब बात करते हैं कि कौन से ट्राइंगल के लिए। आप राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जिसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है बच्चों? 90 डिग्री का। हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसका मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आ गई डिट्टो कि हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री में एक ऐसे ट्राइंगल की बात करने वाले हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? स्टार्ट करें आपकी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले बात करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये होता है, ये दे रखा है बच्चों, सपोज आपको 90 डिग्री का एंगल कितना दे रखा है? 90 डिग्री का एंगल। 90 के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। सपोज करो मेरा एंगल ये दे रखा है थीटा। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों से? थीटा, THEETA थीटा। ठीक है, सपोज जो थीटा एंगल है, ये थीटा रिप्रेजेंटेशन है एंगल का, कितना भी डिग्री हो सकता है, 30, 45, 60, 90। ये सपोज करो थीटा दे रखा है, थीटा के सामने वाले एंगल को बोलते हैं, थीटा जो एंगल है उसके सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसे रिप्रेजेंट करते हैं पी से और इसे रिप्रेजेंट करते हैं एस से। जो बची हुई साइड है या जो बेस है जिसके ऊपर ट्राइंगल स्टैंडिंग है उसे बोलते हैं बेस, यानी इस वाली साइड को बोलते हैं बेस। ठीक है, अब मैं ठीक से बना दूं एक बार इसे, देखिए जरा। ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये आपका 90, ये आपका हाइपोटेन्यूस, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस और ये आपका एंगल थीटा। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर समझ में आ गया? ट्राइंगल के तीन साइड, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये आपके हाइपोटेन्यूस। जैसे आप क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? सपोज दो साइड दे रखी है और तीसरी साइड आपको निकालनी है, तो कैसे लगाएंगे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम? वही, बड़ी साइड का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अकॉर्डिंगली क्या लगाएंगे? एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक है, ये आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के कोई भी दो साइड अगर आपको गिवन है तो आप थर्ड साइड उससे निकाल सकते हैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कोई भी दो साइड गिवन है, तीसरी साइड आप माइनस प्लस करके पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको यहां तक की बात समझ में आ गई तो बताइए पक्के से समझ में आ गई? आगे बढ़ सकते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, कौन कौन से, जरा देखिएगा।
टी रेशोज भी बोलते हैं बच्चे इसको, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टी रेशोज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, फिर से दावे वाला डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, वो काम आएगा भी हमारे। ए बी सी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये एंगल थीटा। ठीक है, ये भी हमारे काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। क्या आप लोगों को मेरी बात ठीक से सुनाई दे रही है? कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? छह। इनके आगे थीटा लगा लेना। क्या लगा लेना? थीटा। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट होता है टेन का उल्टा, 1/10, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, sec किसका उल्टा होता है? cos का, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। cosec किसका उल्टा होता है? sin का, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? जैसे sin थीटा निकालना है तो sin थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा निकालना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस साइड अपॉन दिस साइड। तो ये करके इस साइड से, इस तरीके से हम लोग साइड को पुट करके अपने एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, तीन ये आपकी मेन है, ठीक है, तीन ये आपकी मेन है, साइन cos tan, बाकी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जैसे cot tan का रेसिप्रोकल है, sec cos का रेसिप्रोकल है, और cosec sin का रेसिप्रोकल है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, tan cot का, sec cos का, और cosec sin का रेसिप्रोकल है। मेन आपके तीन होते हैं ऊपर वाले, ठीक है, PH, BH और PB। इस ट्राइंगल वाली, आप ट्राइंगल की तीनों साइड से ये एंगल्स आपके छह के छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पे दो फॉर्मूले और पढ़ने हैं। हम लोग tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, और tan का उल्टा होता है आपका cot। तो अगर tan थीटा sin अपॉन cos होता है तो cot को क्या लिख सकते हैं हम लोग? cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, अगर tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है तो cot थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? cos थीटा अपॉन sin थीटा। बोली बात आप लोगों को समझ में आई? यहां तक के फॉर्मूले आप लोग कर सकते हैं आराम से, इजिली कर सकते हैं ना। आगे बढ़ लें, आगे बढ़िए जाओ, देखते हैं आगे क्या है हमारे सिलेबस में। आगे हमारे सिलेबस में है स्क्वायर प्रॉपर्टीज, स्क्वायर रिलेशंस पढ़ते हैं। भाई पहली स्क्वायर रिलेशन किस किस के बीच में होती है? साइन और कॉस के बीच में। पहली स्क्वायर रिलेशन किस किस के बीच में होती है? साइन और कॉस के बीच में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये कब लगा सकते हैं? जब मुझे साइन से कॉस निकालना हो या कॉस से क्या निकालना हो? साइन निकालना हो, ठीक है, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लगा दूंगा? 1। या फिर से कैसे यूज कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। या कैसे यूज कर सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 1 - sin स्क्वायर थीटा। बोली बात समझ में आ रही सबके? ये हो गई पहली रिलेशन। अब आ जाओ दूसरी पे। दूसरी क्या होती है? 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरी क्या होती है? 1, कहीं भी 1 + tan स्क्वायर थीटा दिखाई देगा तो मैं उसकी जगह क्या लिख सकता हूं? sec स्क्वायर थीटा। या sec स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 + tan स्क्वायर थीटा, या sec स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल हो सकता है? tan स्क्वायर थीटा के, या फिर
sec square theta minus tan square theta किसके इक्वल हो सकता है 1 के। तो इन तीनों तरीके से मैं इस वाली आइडेंटिटी को यूज कर सकता हूं, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, या sec square theta minus 1 equal to tan square theta, या sec square theta minus 1 equal to sec square theta minus tan square theta equal to 1। इस तरीके से मैं इस आइडेंटिटी को यूज कर सकता हूं। थर्ड, ऐसे ही 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta, या फिर cosec square theta minus 1 cosec square theta minus 1 is equal to cot square theta, या फिर cosec square theta minus cot square theta is equal to 1। तो इन तीनों तरीके से मैं इस आइडेंटिटी को यूज कर सकता हूं। तो ये बेसिकली तीन आपकी प्रॉपर्टीज हैं, स्क्वायर रिलेशंस हैं, जिन्हें हमें ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल करके अपने प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन या फिर प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करने होते हैं, जो कि बहुत ही इजी होते हैं। पता नहीं बच्चों को क्यों हार्ड लगते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन यही करा देंगे, एक एक करके जल्दी जल्दी देखिएगा। तो स्क्वायर रिलेशंस मेरे हिसाब से आज सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लें बहुत तेजी से, चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते हैं। नाउ बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जिनकी वैल्यूज बच्चों को लास्ट याद नहीं होती हैं, पर आज के बाद सभी बच्चों को डिट्टो याद होंगी, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0, 30, 45, 60, 90, बेटा 0 से लेकर 90 तक की याद करनी है हमें ना, कहां से कहां तक आएगी, 0 से 90, साइन 0 0, साइन 30 1 अपॉन 2, साइन 45 रूट 3 अपॉन 2, साइन 60 है, साइन 45 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 रूट 3 अपॉन 2, साइन 91, ठीक है, इसे ठीक से लिख लो, साइन 45 क्या होती है, 1/√2, ठीक, 1/√2, ठीक। अब साइन की याद करनी है बस आपको, टेबल टेबल किसकी याद करनी है आपको, साइन की, साइन 00, साइन 31/2, साइन 45/√2, साइन 60√3/2, साइन 91, बस ये याद करनी है। अब आपको क्या याद रखना है, साइन और कॉस की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री होती है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 90, यानी जिसका एंगल 90 साइन में है तो कॉस में होगा 0, यानी यानी कॉस 0 होता है 1, अगर साइन 60 है तो कॉस कितना होगा 30, अगर साइन 45 है तो कॉस भी कितना होगा 45, अगर साइन 30 है तो कॉस कितना होगा 60, अगर साइन आया जैसे कॉस 90 है तो साइन होगा 0 0, तो यानी जो वैल्यू साइन की ऐसे लिखी थी वो हमने उल्टी करके किस में लिख ली, कॉस में लिख ली, ठीक है। तो यानी कॉस 0 होता है 1, कॉस 30 रूट 3 अपॉन 2, कॉस 45 1 अपॉन रूट 2, कॉस 60 1 अपॉन 2, कॉस 90 0। अब 10 क्या पढ़ा तुमने, साइन अपॉन कॉस, साइन को डिवाइड कर दो कॉस से, 10 की वैल्यू हो जाएगी 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 1/√3, इन दोनों को डिवाइड करोगे 1, इन दोनों को डिवाइड करोगे √3, इन दोनों को डिवाइड करोगे नॉट डिफाइंड, यानी 1/0, ठीक है। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, 1/10, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 1/0, यानी नॉट डिफाइंड, √3, ठीक है। 1 का उल्टा 1, रूट 3 का उल्टा 1/√3, और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। sec किसका उल्टा होता है, cos का,
कॉस को उल्टा कर लीजिए, वन को उल्टा वन, ठीक है, रूट थ्री अपॉन टू का उल्टा टू बाय रूट थ्री, वन बाय रूट टू का उल्टा रूट टू, वन बाय टू का उल्टा टू, जीरो अपॉन वन का उल्टा वन अपॉन जीरो, यानी कि नॉट डिफाइंड। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, जीरो अपॉन वन वन अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, वन अपॉन टू का उल्टा टू, वन अपॉन रूट टू का उल्टा रूट टू, रूट थ्री अपॉन टू का उल्टा टू बाय रूट थ्री, यानी कोसेक 60 की वैल्यू है टू बाय रूट थ्री, आपकी कोसेक 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन को उल्टा वन, ठीक है। तो ये आपका बच्चा पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार है, जिस तरीके से आपको बनाना है पहले आप एक दो बार इस तरीके से बना के देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अपनी कॉपी में, फिर आप वीडियो से देख लें, अगर आपको समझ नहीं आता है तो दोबारा कमेंट करके पूछ लें कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप घर में दो तीन बार अपने हाथों से बना के देखेंगे तो आप खुद ही बना देंगे, खुद ही पहचान जाएंगे कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, टेन फोर्टी फाइव की क्या होती है, सेट सेट जीरो की। तो इस तरीके से आप सारी की सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आसानी से, राइट। आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को दो तीन बार जरूर बना के देखिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर ये हमसे बन पा रही है या नहीं बन पा रही है। इसके बाद एक टॉपिक और आता है जिसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फंक्शंस या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टीज बोलते हैं इसे, है ना। इसमें क्या करना होता है बच्चों आपको, इसमें आपको साइन को कॉस में या कॉस को साइन में, टेन को कॉट में या कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में या कोसेक को सेक में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, यानी ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टीज होती है, यानी इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 90, राइट। जैसे मैंने आपको टेबल बना के दिखाया था। तो ये 2022 और 2023 का जो सिलेबस है क्लास 10th के बच्चों का मैथ्स का, उसमें ये टॉपिक कट डाउन है, तो ये आप लोगों को नहीं करना है, बट कुछ क्वेश्चंस में ये यूज हो सकता है, पर हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस से कट डाउन है। पर क्लास 11th और क्लास 12th में अगर आप जाएंगे तो ये प्रॉपर्टीज आपकी वहां पे यूज हो रही है। तो बच्चों ये था आपका पार्ट नंबर 1 क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का, मिलेंगे आपसे पार्ट नंबर 2 में जल्द ही। टिल देन आप लोग इस पार्ट नंबर 1 को कंप्लीट कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि पार्ट नंबर 2 बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी टैग के क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग सब कवर करने वाले हैं। अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ट्रिग्नोमेट्री का जो डर है ना, जो आपको खाया जा रहा है कि मुझ पर ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो रही है, वो बहुत आसानी से दूर कर देंगे हम लोग, ठीक है। सो टिल देन ज्वाइन करके रखिए जिज्ञासा क्लासेस का यूट्यूब चैनल और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि सारे के सारे चैप्टर्स चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएं, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट।